ये फर्क है मेरी जान। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल एंड अनदर व्लॉग। तो आज मैं हरिद्वार आया, उसके बाद मैंने व्लॉग ही कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि मैं आके मतलब मजा ही कर रहा था, मतलब भागवत वगैरह सुन रहा था और घूमने वगैरह गया था। तो मैं स्टोरी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, व्लॉग भी नहीं डाला है। तो अभी मैंने सोचा कि व्लॉग ही बना लेता हूँ। मैं एक दिन के लिए तो मैं भूल गया था कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है। और अभी फिलहाल मैं और दक्ष इधर बैठे हैं, ये भी एक व्लॉगर है, ये मेरे से भी ऊपर है। इसका यूट्यूब चैनल इसने मेरे को दे दिया था, इसलिए एक दिन के लिए भूल गया था। हाँ, और अभी हम भागवत के बाहर बैठे हैं, क्योंकि आज भागवत सुनने का बिल्कुल मन नहीं है हमारा। और मन तो है, पर मन मैं एडिटिंग करने के लिए बाहर आया हूँ, फिर से अभी जाएंगे अंदर, बिकॉज सुनने का तो मज़ा आता ही है भागवत तो, पर मुझे नहीं आ रहा आज। इसका भागवत का हॉल आज तो दक्ष इस आउटफिट में एक नंबर लग रहा है, लेकिन ये खड़ा नहीं हो रहा है। खड़ा हो, एक बार खड़ा हो, सब एकदम तैयार वगैरह करके। आठ अजीम जोम चांद चाइन सा आलस लिया है, नींद आ रही है यार। एडिटिंग करने का मन नहीं है, एडिटिंग करने बट नींद आ रही है, पता नहीं, मतलब पूरी नींद तो ले ली है, बट परसों हम जागे थे नाइट पर, इसलिए नींद बाकी है। हाँ, तो दक्ष ने अपने पहली कमाई से साइकिल तो खरीदी और वो भी सेकंड हैंड खरीदी। कोई नहीं, सेकंड हैंड भी चलेगी, इसकी रिंग वगैरह देखो परफेक्ट चलती है, इस टाइप की इसकी रिंग है, प्यारी सी, पहली कमाई की यूट्यूब के। और अभी इसको सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि इसकी कमाई वगैरह चालू हो चुकी है, अनसब्सक्राइब करो जो कमाई वापिस बंद हो जाए। आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? ओ डांसर, डांसर ये हमारा डांसर है, जो कि घाट पे ही नाचते हैं और कहीं नहीं नाचते। तो अभी हमारा मन ही नहीं हो रहा है अंदर जाने का, कि हम जाए और भागवत वगैरह सुने, बस मन ही नहीं हो रहा है। और शायद तक अभी फोटोशूट करवाएंगे थोड़ा सा, है ईशू दक्ष, अभी थोड़ा फोटोशूट करेंगे। पहले बोल फोटोशूट करेंगे। अभी हम आश्रम घूम रहे हैं, क्योंकि हमको कुछ सूझ रहा नहीं है कि हम क्या करें, और ये तो एडिटिंग ही कर रहा है और मैं बोर हो रहा हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा आश्रम वगैरह घूमूँ। आश्रम तो नहीं घूमूंगा, इसके पास ही बैठना पड़ेगा, ये कि खो गया तो इसकी मम्मी को क्या जवाब दूंगा। समझ रहे हो ना, ये मेरी जिम्मेदारी है इसलिए। सो मजा नहीं आया। तुझे मजा किस में आता है? बोल। वो ब्लॉग में नहीं ले सकता। अरे ये दोनों भाई एक जैसे लगते, तो मेरे को समझ में नहीं आता है कौन कश्यप है कौन कपिंजल है। फिलहाल तो ये कपिंजल है, सब समझ गए, पर मैं नहीं समझ रहा, ये खुद बोल रहा है। तू नादा, इससे लगी हो कश्यप होगा, इससे लगी हो कपिंजल होगा, ये फर्क है मेरे भाई। कब के ये लोग बता रहे नहीं मेरे को क्या फर्क है, अभी मेरे को समझ में आया है। बड़े लोगों को भी कल आ गए, उनको भी पता चल गया आज तक, अभी तक ये फर्क है मेरी जान। तो अभी मेरा भाई भी बाहर आ चुका है, कथा वगैरह सुन के, कथा वगैरह पूरी प्रॉपरली नहीं सुनी है, बाहर आ गया है, मतलब इसको भी बोरिंग आज लग रहा है, इसलिए ये भी बाहर आ गया है। बाकी फिलहाल अभी 5-10 मिनट इधर बैठेंगे, फिर रूम में चले जाएंगे, शायद तक जाएंगे तो बता दूंगा आगे, बाकी तो फिलहाल तो इधर बैठे तो बैठते। तो अभी हम जा रहे हैं रूम पे, क्योंकि अभी मतलब ऐसे जा रहे हैं, बाहर बैठ के भी क्या करें, थोड़ी बहुत धूप है इसलिए अंदर बढ़िया पंखा वगैरह चालू करके थोड़ी देर पैर वगैरह फैला के बैठेंगे। आज था उपमा, तो उपमा मुझको नहीं भाता, तो मैंने उपमा था तो मेरे को नहीं अच्छा लगता, तो मैंने नहीं खाया उपमा, मेरे को एक नंबर का बेकार लगता है, इसलिए मैंने नहीं खाया। और मेरे को बहुत भूख लगी है, खाली एक सुबह चाय पी थी और कुछ नहीं खाया फिलहाल। तो मेरे सब लोग ये चीनी हमारी, ये दिव्यांशी है, ओ हेमांगी जी, बाय बाय। यो भाई लोगों के साथ सब लोग, मैं फोन अगर वीडियो तो कहे था, तो मैं हरिद्वार आ चुके थे, हम नेक्स्ट व्लॉग नहीं देखा देख लेना, तो कहे था मैं रूम में बैठा हूँ, तो कहे था मैंने अभी भागवत चालू है, इसलिए हम तो आके थे रूम में, पापा घर बैठे, तो अभी हम खाना खा के फिर 1-2 बजे हम घूमने जाएंगे
कहाँ पर जाएंगे वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। तो ठीक है, मैं तो थोड़ी देर बाद। तो जब मैं रूम पे आया था तो मैं रूम पे आते ही सो गया था, बाकी तो मैं अभी उठा था 2 बजे, और 2 बजे लंच वगैरह कर दिए और पापा ने प्लान बनाया कि हम जा रहे हैं हरकी पौड़ी, दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं मेरा और दिव्यांशी का, तो हम दोनों चलते हैं फटाफट, बाकी तो लेट हो रहा है तो जल्दी चलेंगे। हम निकल चुके हैं हरकी पौड़ी के लिए और हमको कोई रिक्शा वाला सही से मिल रहा नहीं है, ये बस जा रहे हैं, रुक रहे तो है ही नहीं, इनके ऊपर केस मारूंगा एक बार। तो अभी हमें ऑटो वगैरह मिल गया है और अंकल हैवी ड्राइवर है, फास्ट चला रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं हरकी पौड़ी, और हरकी पौड़ी में मेरे को और पापा को तो नहीं नहाना है, क्योंकि पापा और मैं तो अमावस के दिन आए थे जो कि हम नहा के चले गए थे। तो अभी फिलहाल मम्मी को, दादी को और वत्सल को नहाना है, तो वो नहा लेंगे और हम मुँह वगैरह धो लेंगे और फिर आगे क्या प्रोग्राम बनता है वो मैं आगे बताता रहूँगा। और यहाँ पर भीड़ एक नंबर है, बोले तो हम अमावस के दिन आए थे जब, तो उससे भी डबल ट्रिपल थी, और आज तो फिर भी कम है थोड़ी सी, फिर भी भीड़ है थोड़ी बहुत, जो कि मैं उसका भी सीन बता दूंगा, अभी बता देता हूँ। तो अभी मेरा भाई तो नहा के आ चुका है और मेरा मूड नहीं है आदमी होने का, और एकदम पहलवान की तरह लग रहा है ये भी। अभी फिलहाल हरकी पौड़ी पे नाना वगैरह हो चुका है और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं बाजार, और बाजार में कुछ सामान वगैरह लेना है शायद तक, तो इसलिए जा रहे हैं, वरना कुछ काम से जा रहे हैं, बाकी क्या क्या होगा बाजार में वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो हरकी पौड़ी से निकल चुके हैं और बस भीड़ एक नंबर है जो कि आपने देख ली होगी। अभी फिलहाल बाजार जा रहे हैं, तो देखते हैं बाजार में क्या खरीदते हैं क्या नहीं खरीदते हैं, बाकी तो बाजार चलते हैं फिलहाल। तो अभी हमारे साथ मेरे मामा मामी और मेरी एक और बड़ी बहन भी जुट चुकी है, मामा की लड़की, और हम सब अभी बाजार में घूमेंगे, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। सो गाइस, वाह दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी फिलहाल हमने पानी की बोतल ली है जो कि ये रही, और ये इधर मामी जी और मम्मी और नानी वगैरह वगैरह, और बस ये देखो, हाँ ये खेलने के लिए कुछ ले रही है। आपने क्या चीज ली है बोलो? अभी मैंने रुद्राक्ष की माला ली, कॉपी, और हमने किताब ली, किताब होती है इसको बोलते हैं, और हमने कश्यप लिया, और कश्यप लिया हरिद्वार से, और मैंने एक हेट लिया, ये कपिनल केदारनाथ से, ब्राह्मण का है, और हम तो केदारनाथ गए थे, ये यहाँ पे कहीं पड़ी थी वो ले ली, ये भीमपुरा से। तो अभी इधर पापा कुर्ता लेने आए हैं और कुर्ता देख रहे हैं कि कौन सा बढ़िया है, और दिव्यांशी और मेरे को पूछ रहे हैं कि कलर कौन सा बेस्ट है, और हमको करना है कलर सेलेक्ट, तो देखते हैं कौन सा करते हैं कलर। भाई ये सब चीज़ें देख रहे थे तो मुझे भी ये दिख गया, और सेम टू मेरे पास भी ऐसे ही है घर पे गुल्लक, और ये दिव्यांशी ये वॉच, ओहो पंची वाली बात। तो अभी यहाँ पर सब कचौरी समोसा खा रहे हैं, नाश्ता पानी कर रहे हैं। इधर हमारी चीनिया नाश्ता कर रही है कचौरी का, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आगे जाके मैगी वगैरह खाऊंगा। अभी सब लोगों ने खा ली है कचौरी समोसा, और दिव्यांशी और हमको खानी है मैगी, तो अभी मैगी की तलाश में हम दोनों चल रहे हैं। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, सुखे। अब देखते हैं कौन मिलता है मैगी वाला, जो भी मिलेगा उसके साथ खा लेंगे। उसकी खा लेंगे उसके साथ नहीं, बाजार में भीड़ एक नंबर है। भाई मामा जी ने टोपी ले ली है ये वाली, मामा जी सबको टोपी पहनाते पर आज मामा जी ने टोपी पहन ली है। तो अभी हमको फाइनली मैगी मिल चुकी है, और मैगी बन रही है, मैगी बनती है खाते हैं फिर चलते हैं वापस। हमने मैगी वगैरह खा ली और बहुत टेस्टी थी मैगी की, इतनी टेस्टी थी कुछ ज्यादा ही, और ये गोटिया भी आया था जिसने, ये भी ले ली है जूस, बिस्लेरी स्पाइसी। अच्छा हमको सिखा रिया है, अरे गोटिया में नॉट गोटिया, अरे
अबे चल जाने दे जाने दे जो भी बीत। हम बाजार से आश्रम आ चुके और अभी घाट पे नहा रहे हैं। तो घाट तीसरा घाट है ये हमारे आश्रम का। ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा।